तो अर्पिता, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं मनीष सिसोदिया के लिए। शराब घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की हिरासत दी है, लेकिन सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नेहा, सिसोदिया ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार हो गई। दोपहर बाद 3:50 का वक्त सुनवाई के लिए तय कर दिया गया है। इधर सीबीआई की सिसोदिया से पूछताछ भी चल रही है। सवालों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है और इन सवालों से सिसोदिया का सामना कराने की तैयारी है, जिसका जवाब देने से वो बचते रहे थे। और यही ग्राउंड नेहा तय भी किया गया था कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट तक पहुंची थी सीबीआई और रिमांड कर लिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। और इस बीच सबसे पहले रुक करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं वहीं से। संजय, देखिए 3 बजे ये कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सीबीआई के पास इस वक्त एक ठोस सबूतों की लंबी लिस्ट है और ऐसे में ये जो डिफेंस टेक्निक यहां पर सिसोदिया ने अपनाई है, जाहिर तौर पर ये उनका एकमात्र विकल्प बचा हुआ था। आम आदमी पार्टी को ये लगा था कि जिस तरह से पवन खेड़ा मामले में तुरंत सुनवाई हुई और उनको राहत मिल गई, कुछ उसी तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी क्योंकि संविधान पीठ को अपने मामले की सुनवाई करनी महाराष्ट्र मामले की, तो ऐसे में अगर इन मामलों में 2 जजों की या 3 जजों की पीठ होगी तो बाकी के 2 जजों को का काम सफर करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा है कि पहले तो हम महाराष्ट्र मामले की सुनवाई करेंगे, यानी संविधान पीठ बैठेगी। मेंशनिंग अभी अभी खत्म हुई और खत्म होने के बाद संविधान पीठ बैठ गई है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब संविधान पीठ 3:50 तक अपना काम निपटा लेगी, सुनवाई पूरी करने के बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी, और साथ ही पंजाब में बजट सत्र को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको लेकर भी सुनवाई करेगी। तो यानी कुल मिलाकर 3:50 का समय है 4:15 के बाद। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और बाकी दिल्ली सरकार को ये उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने जो चैलेंज किया है वो ये किया है कि सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है, सीआरपीसी की धारा 41(41) उसका उल्लंघन है। उस धारा में कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को यह बताना होता है, मतलब एजेंसी अभियुक्त को बताती है कि उन्हें किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया, किसने गिरफ्तार किया, क्या उनका अपराध है, क्या उनका आरोप है। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा गया क्योंकि उन्हें जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अचानक सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि आप अंडर अरेस्ट हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आपको रोकेंगे। अब इन तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अर्पिता, बिल्कुल, पंकज हमारे साथ हैं और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कोई नेता हैं, वो बात कीजिए जरा पंकज। संजय सिंह उनके साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उन्होंने और साथ ही साथ पूछताछ भी मनीष सिसोदिया से सीबीआई की चल रही है। ये बताइए कि कल दिनभर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपकी झड़प भी हुई दिल्ली पुलिस और फोर्स के साथ, अब लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उस पर सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया ने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इन लोगों ने आरोप लगाया 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई है, ये भाजपाइयों का बयान है। आप मुझे बताइए, 14 घंटे सीबीआई के छापे घर पे होते हैं, गांव में होते हैं, दफ्तर पे होते हैं, बैंक का लॉकर चेक होता है, कोई तो संपत्ति मिलती, कहीं तो कोई पैसा मिलता। लेकिन एक झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा के आपने देश के सबसे योग्य शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि कल जो रिमांड के लिए सीबीआई की दलील थी वो निहायत ही कमजोर दलील थी। ठीक है, जिस पॉलिसी पर कई बार परिवर्तन करा के, ऐसे ही नहीं, परिवर्तन करा के एलजी ने मोहर लगाई है, उस पॉलिसी को कह रहे हो आप गलत है। अरे भाई, वही पॉलिसी एलजी के पास गई, उन्होंने 16-18 संशोधन दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके पॉलिसी लेके आओ, दोबारा उन संशोधनों के साथ पॉलिसी गई, उस पर एलजी ने मोहर लगाई और आप कह रहे हो वो पॉलिसी गलत है। आपकी आपत्ति क्या है इसमें, ये हमें जानना है कि सुप्रीम कोर्ट जब आप गए हैं तो मांग आपकी क्या है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले राजा हरिश्चंद हो जाते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूं, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट बीजेपी ने जारी की थी। हेमंत विश्व शर्मा इनका मुख्यमंत्री बन जाता है,
येदुरप्पा माइनिंग का घोटाला करता है वो इनका मुख्यमंत्री बन जाता है, शिवराज सिंह व्यापम का घोटाला करते हैं वो इनके मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पूरे देश में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु, आप कल से लेकर आज तक पूरे केस को ट्रैक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लगातार मुश्किलें मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीबीआई ने अपनी तैयारी नहीं की है, पूरी होमवर्क के साथ सीबीआई ने केस बनाया है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस रिमांड को और बढ़ा दिया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के फेवर में डिसीजन नहीं देता। जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो उसका ये कहना है, जो सोर्सेज हैं, कि जब पहली बार पूछताछ की गई थी तो जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो ड्राफ्ट को लेकर के सवाल थे, उन सवालों के जवाब, जो घोटाले से जुड़े सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया था, टालमटोली की थी। उसके बाद जब दोबारा उनको नोटिस देकर बुलाया गया और वो व्यस्तता का उन्होंने हवाला दिया, और जब तीसरी बार जब वो पहुंचते हैं तो उनसे तकरीबन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जो दलील दी गई यही कि टालमटोल करते रहे हैं। अब यहां पर सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो देखिए यही है कि इन 5 दिनों में वो तमाम वो उन टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी यहाँ पर जो अब तक मिसिंग है, और उन सवालों के जवाब जिससे अभी तक बचते आए हैं, क्योंकि देखिए सीबीआई के पास जो सबूत है कुछ दस्तावेजी सबूत हैं, इसके अलावा कुछ सीबीआई ने जो रिट्रीव किया है, जो तमाम जो गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक जो बरामद हुए थे उनसे कुछ डिलीटेड डाटा रिट्रीव किया गया है, उसी के आधार पर पूछताछ की जा रही है। और जब जो सोर्सेज कह रहे हैं कि ठीक है हिमांशु आप नजर बनाए रखिए, तो सवालों की एक नेहा लंबी लिस्ट है जिनके जवाब मनीष सिसोदिया को देने होंगे और वो डिजिटल एविडेंस भी सामने हो सकता है रखे जाए जब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़े।